पिछले साल दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट करने के बाद अब भारत 6G सेवा लॉन्च करने के कवायद में जुड़ गया है। बुधवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ क्षेत्रीय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G दृष्टिपत्र भी दुनिया के सामने पेश कर दिया। पीएम ने कहा, यह भारत में जोर शोर से हो रही डिजिटल क्रांति का अगला अध्याय है। और चैत्र नवरात्र के पहले दिन तकनीक की दुनिया में भारत ने एक और छलांग की तैयारी कर ली है। 5G के बाद भारत अब 6G रोल आउट की दिशा में पहला कदम बढ़ा रहा है। बुधवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया, तो इस मौके पर उन्होंने भारत 6G पर दृष्टि पत्र का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले चरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। सिर्फ 120 दिन में 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के लगभग 350 जिलों में आज 5G सर्विस पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। पीएम मोदी ने 6G अनुसंधान एवं विकास परीक्षण केंद्र का शुभारंभ भी किया। ये देश में नवाचार, क्षमता निर्माण और तेजी से प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक वातावरण को सक्षम बनाएगा। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नए साल के पहले दिन टेलीकॉम, ICT और इससे जुड़े इनोवेशन को लेकर एक बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। ग्लोबल साउथ की खास जरूरतों को देखते हुए टेक्नोलॉजी, डिजाइन और स्टैंडर्ड्स की भूमिका बहुत अहम है। ग्लोबल साउथ अब टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को भी तेजी से ब्रिज करने में जुटा है। ITU का ये एरिया, ऑफिस एवं इनोवेशन सेंटर, इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं ग्लोबल साउथ में यूनिवर्सल कनेक्टिविटी के निर्माण को लेकर भारत के प्रयासों को भी ये अत्यंत गतिदायक और गति देने वाला होगा। इससे साउथ एशियाई देशों में ICT सेक्टर में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में टेलीकॉम तकनीक केवल शक्ति पाने का साधन नहीं है, बल्कि लोगों को सशक्त बनाने का एक मिशन है। आज डिजिटल तकनीक की पहुंच भारत में हर जगह है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कॉल बिफोर यू डिग ऐप का भी शुभारंभ किया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो डिगिंग का काम होता है, उससे अक्सर
टेलीकॉम नेटवर्क को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस नए ऐप से खुदाई करने वाली एजेंसियां और जिनका अंडरग्राउंड एसेट है उन विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा। इससे नुकसान भी कम होगा और लोगों को होने वाली परेशानियां भी कम होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में विकास की इस रफ्तार को देखकर कहा जा सकता है कि ये डिकेड भारत का टेकेड है। भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूथ है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है।